क्या चल रहा है? पूरे खाने पे मक्खियां घूम रही है। ये वड़ा भजिया इसको ढक्के क्यों नहीं रखा? लगता है तुम्हारी कंप्लेंट करनी पड़ेगी ऊपर। अरे साहब, धंधे के टाइम पे कशा बूमा बूम करता है। हे क्या, मेरी बड़े साहब से बात हो गई है, वो इधर ही अपनी गाड़ी पे वड़ा पाव खाने आते। बता मेरे को, शानपति मेरे को मत सिखा। साला फुकटिया। चल रही तू बिंदिया रानी? अरे जरा रुक, कितना भाव खा रही है? सुनना, आज शाम के पिक्चर के दो टिकट है, मस्त की मूवी देखेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे। चलती क्या? पॉपकॉर्न नहीं पसंद तो कोल्ड ड्रिंक दिलाऊंगा। तू थोड़ी ठंडी हो जा, मैं थोड़ा गर्म होता हूँ, आज के लिए एडजस्ट करना। आज हील वाली सैंडल नहीं पहनी, चप्पल पहनी है। एडजस्ट कर लेगा ना राजा? ए, ज्यादा नाटक मत कर, समझा ना? ज्यादा नाटक मत कर, इधर ही सबके सामने पिटूंगी, और मुझे फिर से छेड़ा ना तो पुलिस कंप्लेंट करूंगी सीधा। हाँ ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन वापस आऊंगा। और एक बात ना, कान खुल के सुन ले, वो मेरी नहीं होगी ना तो किसी की नहीं होगी, उठा के लेके जाऊंगा। चल निकल। आया बड़ा, तेरे जैसे 36 देखे, ये बिंदिया किसी से डरती नहीं है। मैं दिन भर काम करती हूँ, मामी की गाली खाती हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उनकी भांजी नहीं, उस घर की नौकर हूँ। मुझसे अब और ये नहीं सहा जाता। सुहास, हम भाग चलते हैं ना यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना है। शांत हो जा। सुप्रिया तुझे क्या लगता है, मुझे अच्छा लगता है तुझे ऐसा रोज रोते हुए देखना? अरे खून खौलता है मेरा जब तेरे मामा मामी तुझसे ऐसा बर्ताव करते। तो हम यहाँ से भाग चलते हैं ना। पागल हो गई हो क्या? जब तक तुम 18 साल की नहीं हो जाती हम कहीं नहीं भाग सकते। अरे ये क्राइम है, हम भाग भी गए ना तो पुलिस हमें तुम्हारे मामा मामी के पास लेके जाएगी और वो तुम्हें और टॉर्चर करेंगे। और एक बात याद रखना, जो डरता है ना सब उसको दबाने की कोशिश करते। अच्छा सुहास, टाइम क्या हो रहा है? हुशियर जाला मान, मैं चलती हूँ, बाय, कल मिलती हूँ। कुछ चाहिए स्मिता? मार्केट जा रहा हूँ। 100 साल उम्र है आपकी? अरे इतनी उम्र, नको रे बाबा नको, पहले से ही है ऐसी जिंदगी, और जिंदगी नहीं चाहिए ऐसी। अरे काका ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप बहुत अच्छे हो। पता है आई कहती है जो लोग अच्छे होते ना उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। अच्छा कुछ लाना है मार्केट से? मैंने लिस्ट बना के रखी है और पैसे भी, लेके आती हूँ। इस लड़की को भी नहीं समझता। अरे बच्ची है वो, बच्ची? अरे 16 साल की हो गई है, और इस सुधीर की नजर पता है ना तुझे कैसी है? ये ले वड़ा पाव। क्या रे तू, वड़ा पाव पे जीता है क्या? रोज आता है इधर खाने को। अरे मेरी बात सुन, दाल चावल भी खाया कर, ये मैदा ना अंदर पेट में जाकर गुठली बन जाता है, समझा? ए माई चल, मैं निकलती है, स्मिता को टिफिन देने का ना। अच्छा सुन, उस मुन्ना से ना बचकर रहना, वो तुझे उठाकर ले जाने की बात कर रहा था हलकट। अरे माई तू टेंशन मत ले, वो मुन्ना को तो एक दिन भगवान उठाएगा। चल मैं निकलती हूँ, संभाल के जाना। हाँ स्मिता आ रही हो ताई, ये ले तेरा टिफिन। अरे ताई बाहर क्यों खड़ी है, अंदर आ, कोकम शरबत बनाया मैंने। अरे नहीं नहीं, रोज रोज कोकम शरबत पीऊंगी तो जुबान मीठी हो जाएगी, और मेरे धंधे के लिए जुबान मीठी नहीं तीखी मिर्ची लगती है। ताई तू कमाल है, इस माहिते माहिती है माला। चल मैं आती हूँ माई अकेली है धंधे पर। ये क्या खाना है, कौन ऐसे रोटी बनाता है? मैं नहीं खाऊंगी।
क्या कर रहे हो? वर्तक नगर के पास की नदी से अभी अभी एक लड़की की लाश बरामद हुई है। अभी अभी आई ताजा सूत्रों के अनुसार एसआईटी की टीम मुंबई से इस केस को हैंडल करने के लिए निकल चुकी है। दिस इज मिताली पुरोहित विद कैमरामैन सनी सिंह, कल तक न्यूज। सर कौन हो सकता है जो लड़कियों को अगवा कर रहा है और मार रहा है? आप इस केस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैडम हम पुलिस वाले हैं, ज्योतिषी नहीं। कातिल कौन हो सकता है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता पाएंगे, है ना? नाउ एक्सक्यूज मी मैडम। सर आप कुछ इस केस के बारे में कहना चाहेंगे? कोई सस्पेक्ट मिला? शांत हो जाए। जो कुछ भी ऑफिशियल होगा इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाएगी, है? तब तक आप यहाँ खड़े रहिए प्लीज। एसआई रघुवीर सर, पीआई सुने सर, आपके कहने के मुताबिक बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा। उस लड़की की पहचान हो गई है सर, सुप्रिया राणे नाम है उसका। उसके मामा और मामी ने उसके मिसिंग की कंप्लेंट लिखाई है सर। अच्छा यस सर। क्या लगता है अर्षा? सर बहुत बेरहमी से मारा गया है उसे, पूरे बॉडी पर बर्न मार्क्स है। सर इतना वैशीपन कोई कैसे कर सकता है? अगर दिख जाए ना सर तो मैं गोली मार दूंगी उसे। खुद पर काबू रखो अर्षा, हम पुलिस वाले हैं, हमें जिम्मेदार समझकर बंदूकें दी जाती है। बॉडी को पीएफ के लिए भेज दो सर, और इसकी रिपोर्ट मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। सुने सर, लड़की के मामा मामी से मिलना होगा। कह रहे थे सर, सुप्रिया मेरी बहन की बेटी थी। मेरी बहन और जीजा जी 6 साल पहले कार एक्सीडेंट में चले गए, तब से मैं ही सुप्रिया को संभाल रहा हूँ। हाँ सर, अब आप तो इस घर की हालत देख रहे हैं, हम दोनों का बहुत मुश्किल से गुजारा होता है यहाँ। फिर भी हमने सुप्रिया को अपनी बेटी की तरह संभाला सर, लेकिन उसने कभी हमें अपना माना ही नहीं। और तो और घर से भाग जाने की बात करती थी सर। घर से भाग जाने की बात? किसके साथ? कोई बॉयफ्रेंड था क्या? सर आजकल के बच्चे माँ बाप को कहाँ सच बताते, वो भी छिपाती थी। मतलब कोई था? हाँ सर, वो सुहास जोशी नाम है उसका, उसी ने कुछ किया होगा सर। अच्छा सर, इनसे सुप्रिया के बारे में हर डिटेल्स ले लेना और उसके कमरे की तलाशी। सर ये सुहास जोशी से मिलना होगा, नाबालिग लड़की थी, प्यार का वास्ता दे के भगाया होगा। ये सुहास जोशी मुझे 1 घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन में चाहिए। अरे नहीं सर, वो झूठ बोल रहे हैं, उल्टा वही लोग उससे नौकर की तरह काम करवाते थे। आपको मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा ना, तो आप उनके पड़ोसियों से जाके पूछ लीजिए। सर सारे मोहल्ले को पता है कि सुप्रिया के माँ बाप ने उसके लिए 15 लाख की एफडी और 5 लाख का सोना रखा था, उसी के इंटरेस्ट पे इनका घर चल रहा है सर। ये अनिल और मंगल कहीं काम वाम नहीं करते क्या? अरे क्या काम करेंगे सर, वो अनिल एक नंबर का बेवड़ा है, और वो मंगल कुछ नहीं करती, दिन भर घर पे बैठी रहती है महारानी की तरह। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये सुप्रिया के पैसे के ऊपर इनका घर चलता था, फिर सुप्रिया को परेशान क्यों करते थे? अरे उसके पैसे के ऊपर तो लाइफ बन जाती थी उनकी। सर डर लगता था उन्हें, क्योंकि अगर सुप्रिया 18 साल की हो गई तो सारा पैसा और सोना उसके नाम पे हो जाता ना, इसलिए 18 की होने से पहले उसको मार दिया। तू अपने किसी अंकल के साथ रहता है ना? नहीं हाँ, मतलब वो अभी पुणे में रहते, अभी वीकेंड पे आते हैं कभी कभी मिलने। और तू? मैं गारमेंट शॉप में काम करता हूँ। देख सुहास, तू खुद को सही और उनको गलत बता रहा है। इस सही और गलत के बीच में ना सच छुपा होता है। अगर मुझे बाद में पता चला कि सच कुछ और है तो मेरा वादा है कोर्ट जाने से पहले मैं तेरा हिसाब करूंगा, समझ गया? हाँ सर। विराट छोड़ के कहीं जाना नहीं, चलेगा? क्या लगता है सर, सच बोल रहा होगा ये? शायद हाँ शायद ना। सर विराट इस पुलिस स्टेशन से फोन आया था, उन्हें 6 दिन पहले एक लाश मिली थी देशमुख अली के पास वाले तालाब में। सर बॉडी कंप्लीटली डीकम्पोज थी। मेल या फीमेल? फीमेल। उस केस की पूरी डिटेल्स और फाइल अपने पास मंगा लो सर। ठीक है मैं देखता हूँ। ओके लो सर, वड़ा पाव लो, हमारे यहाँ का फेमस वड़ा पाव है।
हाँ? क्या कर रहे हो खड़े खड़े वहां? आओ वड़ा पाव खाओ सबके साथ। नहीं सर, थैंक यू। सर मुझे लगता है सीरियल किलिंग का मामला है। दोनों लड़कियों की लाशें नदी के आसपास मिली और दोनों की उम्र 16 से 24 के बीच की थी। सर विरारी ईस्ट पुलिस को 6 दिन पहले जो बॉडी मिली इस फाइल की स्टडी की है मैंने। बीएम रिपोर्ट। बॉडी पर इंजरीज थी, बर्न मार्क्स थे, उसके बाल उखाड़े गए थे एंड सर वो 2 महीने प्रेग्नेंट भी थी। सर ये देखिए सेम पैटर्न, सुप्रिया को भी बर्न मार्क्स थे। सर मैं यकीन से नहीं कह सकता लेकिन इस लड़की के कपड़े और डिस्क्रिप्शन देखकर ऐसे लग रहा है कि ये लड़की योगिता कंठा रही है जो 2 महीने पहले गायब हुई थी। हाँ तुम्हारा शक सही होता नजर आ रहा है, ये सीरियल किलिंग का मामला हो सकता है। टॉर्चर करने का तरीका एक, मर्डर का पैटर्न एक और एरिया भी एक। ये योगिता का घर कहाँ है? टॉपर है हमारी योगिता। सर हम उसे बहुत पढ़ाना चाहते थे ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाए। सुनने में आया आप बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं। सर बच्चों के भविष्य के लिए थोड़ा बहुत तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है ना। योगिता का कोई बॉयफ्रेंड या अफेयर? शायद एक बॉयफ्रेंड है। क्या नाम है उसका? मनोज शिंदे। उसने कहा था कि उसका दोस्त है जीई कोचिंग क्लास से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन दोनों के बीच में कुछ था। जिस दिन योगिता मिसिंग हुई उस दिन उसके कोचिंग क्लास में उसका पेपर था। जब वो टाइम से घर नहीं आई तो मैंने उसे कॉल किया, तभी उसका मैसेज मुझे आया। उसने बताया कि वो अपने मर्जी से यहाँ से जा रही है, उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। उसने कहा और आपने मान लिया? नहीं सर, लेकिन हमने पुलिस को भी ये बात बताई थी और उनसे कहा कि जैसे उसका पता चले वो उसे घर पे ले आए। सर वो बालिग थी और अपनी मर्जी से बाहर गई थी, उसके लास्ट मैसेज से एक क्लियर होता है। सर किस बेसिस पे हम इनकी कंप्लेंट लेते? फिर भी हमने इनसे पूरी जानकारी ली और बेसिक इंक्वायरी भी कर ली थी। लेकिन आज अचानक सब आप यहाँ, मेरी बेटी का कुछ पता चला? कहाँ है वो? मैडम आप इसे पहचानती हैं? ये सब तो मेरी योगिता का है। मेरी योगिता कहाँ है? देखिए हमें एक बॉडी मिली है विरार के एक तालाब में, ये कपड़े और गहने। सर ये सब ना उस मनोज ने किया है, उसे छोड़ना नहीं सर, उसे फांसी ही देना सर, मार डाला मेरी बेटी को। सर समझ गया क्या करना है। सर योगिता तो मेरी बहन जैसी थी सर, उसका बॉयफ्रेंड तो कोई और है। कौन है, नाम पता है तुझे? वो नहीं पता सर मुझे। भाई बहन का रिश्ता है ना, तो बहन का बॉयफ्रेंड कौन है पता नहीं तुझे? सर दोस्ती में प्राइवेसी होती है ना। अच्छा कुछ नहीं था तुम दोनों के बीच, फिर इतने सारे कॉल्स क्यों हुए तुम्हारे बीच? मैडम वो मेरे से सब बातें शेयर करती थी। इसीलिए जिस दिन वो गायब हुई उसी दिन तू भी गायब हो गया। बता कहां? बता। मैंने कहा ना गुस्से पे काबू रखो। तो बताएगा, अच्छा बच्चा है ये, स्कूल में टॉप करता है। सर मुझे कुछ नहीं पता सर योगिता कहाँ पे है। जिस दिन वो गायब हुई उसी दिन मैं कोटा चला गया था अपने दोस्तों के पास सर, वहाँ पे एक फेमस कोचिंग क्लासेस में मेरा एडमिशन हो गया था, मुझे कुछ नहीं पता सर। अरे हीरो तेरी हर चीज टाइम पे पूरी हो रही, क्या भगवान के आकाशवाणी करे? अब तो बेटा तेरा हर स्टेटमेंट क्रॉस चेक होगा तब तक तू अंदर ही रहेगा, समझा? हां इसका डीएनए लेके योगिता से मैच करो। ओके सर। सर मैं ऐसा मत करो सर, मेरा एंट्रेंस एग्जाम है। तू अंदर रह के पढ़ाई कर लेना बेटा, वहां कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा तुमको। हां इसकी किताबें लाओ। मुबारक हो बेटा, अंदर आने का एंट्रेंस पास हो चुका है, बंद करो। ए सर मेरी बात सुनो सर, मैं कुछ नहीं किया सर। ग्यारह बज गए अभी तक तू यही है, तूने अभी तक गाड़ी बंद नहीं की, जानती है ना अपनी बस्ती में लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। अरे माई
तेरी बेटी बिंदिया है बिंदिया, तेरी बेटी बिंदिया ना किसी से डरती नहीं है। ये देख। अरे बापरे, अंदर रख। हाँ ठीक है माई, लेकिन तू डर मत ना। ये देख तेरी बेटी है ना बेटी, वो लड़की नहीं है, वो फायर है फायर। अगर किसी ने मुझे छेड़ने की कोशिश की ना तो वो जल के खाक हो जाएगा। योगिता का फोन कोटा राजस्थान गया और फिर वहां जाके स्विच ऑफ हुआ। हम उसका नंबर अभी भी ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं सर। मतलब ये योगिता मनोज के साथ राजस्थान गई, फिर कोटा जाकर उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ। फोन राजस्थान में स्विच ऑफ हुआ और लाश यहाँ विरार में मिली। ये थ्योरी कुछ सही नहीं लग रही है। कोटा जाके मनोज का स्टेटमेंट रीचेक करो। जी सर। सर मैंने भी मार्केट में जाके पूछताछ की सर। ये लोगों का कहना है उस दिन सुप्रिया किसी गाड़ी वाले के साथ बात कर रही थी, कोई तो सिल्वर ग्रे वैन में बैठा था, मगर सर नंबर याद नहीं है। ये सिल्वर ग्रे वैन वहां के आसपास के एरिया में ढूंढो सर। और मनोज ने कहा था कि योगिता का कोई और बॉयफ्रेंड था, उसे इस बारे में कहां से पता चला ये भी देखो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी बेटी के अफेयर के बारे में जानकर तुमने और विलास ने उसको मार दिया हो? हो सकता है। इनकी कुंडली भी लेकर आओ सर। अच्छा ये सुप्रिया और योगिता, इन दोनों का सोशल अकाउंट चेक करो, हो सकता है हमें उसका बॉयफ्रेंड सोशल मीडिया पर मिल जाए। यस सर। और योगिता ने अपने पेरेंट्स को लास्ट मैसेज जहां से किया था वहां की लोकेशन भी मुझे चाहिए। राइट सर, लेट्स मूव। कम। अरे अच्छा वो छोड़, ये ले चार वड़ा पाव। इतने ताई आप ना मुझे मोटा करके सांस लेंगी। अरे नहीं नहीं माई की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आज वो टिफिन नहीं बना पाई, तो इसी से काम चला लेना। सॉरी। सॉरी क्यों ताई, और हाँ आज रात का खाना काकी के लिए मैं ही बनाकर लेकर आऊंगी। नहीं नहीं 7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना, पता है ना बस्ती का माहौल ठीक नहीं है। और एक बार माई को ठीक हो जाने देना, फिर मैं और माई दोनों आएंगे तेरे यहाँ दावत करने। पक्का आना ताई। अरे पक्का आऊंगी, चाय भी देखती हूँ तेरी। दोनों के भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है ही नहीं। सुहास के स्टेटमेंट से ये तो क्लियर है कि सुप्रिया की कोई सोशल लाइफ नहीं है, योगिता तो अपने पेरेंट्स के ड्रीम को जी रही थी। सर देखा जाए तो ये दोनों लड़के अपनी जिंदगी में खुश नहीं थी। ये योगिता अपने माँ बाप से और ये सुप्रिया अपने मामा मम्मी से परेशान थी। शायद इसी बात का किसी ने फायदा उठाया हो। इनका खून एक ही है कन्फर्म। और सुहास उसके मालिक का कहना है सीधा साधा लड़का है, नील लग रहा है सर। सर इस एरिया में 2 ग्रे सिल्वर कलर की वैन है, दोनों सामान डिलीवरी के लिए बाहर गई है, वापस आते ही कार्रवाई शुरू करेंगे। गुड, हमें इस केस को जल्द से जल्द क्लोज करना होगा, नहीं तो पता है ना आजकल की मीडिया के बारे में, हाँ हर बात का पतंगड़ बना देती है ब्रेकिंग न्यूज बना के। सर सर ये मैं दोनों एरिया की CCTV फुटेज लाऊ। मैडम मैडम एक मिनट, ये वैन सर योगिता के फोन से मैसेज आने के 10 मिनट पहले यहाँ से गुजरी थी, बाद में सर ये वैन दिखाई नहीं दी। लेकिन इस वैन का नंबर प्लेट नजर नहीं आ रहा। मैम इसके अलावा टोल नाका और हाईवे की फुटेज भी मंगवाइए। जहाँ से योगिता के फोन से मैसेज आया था पता करो वहाँ कोई बंद गैराज या घर है क्या, क्योंकि अगर ये एक ही आदमी है तो लड़कियों को बंदी बना के रखने की जगह भी एक ही होगी। साहेब, मेरी बेटी गायब हुई है, उसे ढूंढ लो वरना वो उसे मार देगा। मेरी बेटी पता नहीं। आप शांत हो जाइए, बैठिए, आराम से बात कीजिए। बेटी मेरी कब से मिसिंग है आपकी बेटी? कल शाम से मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, सारे दोस्तों रिश्तेदारों से पूछा, वो किसी के पास भी नहीं गई, उसका फोन भी बंद आ रहा है। साहब उसे बचा लो, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। ये कौन है? ये स्मिता है, हमारे पड़ोस में रहती है। ये बिंदिया किस टाइम निकली थी घर से? घर से नहीं, वो स्टॉल से। मेरी बेटी पूरा दिन स्टॉल संभालती है, दोपहर में बाजार में जाके वो सब सामान लेके आती है, लेकिन वो 4 बजे वापस आती है घर पे। कल नहीं आई तो मैं बहुत डर गई। बेटा तुम्हें कुछ पता है बिंदिया का कोई खास दोस्त या बॉयफ्रेंड? जी नहीं मैम। एक लड़का है मुंडा,
व्यक्ति उसे बहुत परेशान करता है। उसने एक बार ये भी कहा था कि तो मेरी नहीं होगी ना तो किसी की नहीं होगी, उठा के लेके जाऊंगा। हर्षा इनसे विद्या की फोटो ले लो। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी को जल्द ढूंढ लेंगे। आइए सर, ये तीसरी लड़की है, वी हैव टू एक्ट फास्ट नाउ। अच्छा, गुस्सा हम सबको आ रहा है लेकिन इस वक्त हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, तभी उस तक पहुंच पाएंगे। इस बिंदिया के फोन का CDR और लास्ट लोकेशन निकालो और इस मुन्ना को पकड़ो, ये मुझे जल्द से जल्द यहाँ चाहिए। बिंदिया जिस रूट से मार्केट जाती है वहां की CCTV फुटेज निकालो। मैं इस वक्त प्रगति नगर में हूँ और यहाँ का माहौल दहशत से भरा हुआ है। प्रगति नगर से एक और लड़की गायब हो गई है, जहाँ मुंबई की SI टीम तीन लड़कियों की कातिलों को ढूंढ रही है, वहाँ पे एक और लड़की का गायब होना मुंबई पुलिस के लिए एक नई चेतावनी बनकर सामने आई है। कुछ नहीं, टाइम पास के लिए आए। सर मैंने कुछ नहीं किया। अरे सर मोबाइल। क्या हुआ सर? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ किया नहीं तो भाग क्यों रहा था? सर आप उनको पता था वो बिंदे के गायब होने के बाद आप मुझे पकड़ेंगे। सर मैं प्यार करता था उससे, मैं क्यों मारूंगा? अच्छा तूने नहीं मारा? तुझे नहीं बोलेगा सारा, मैं मारूंगी तो बोलेगा। शांत शांत हो जा। देख मुन्ना, सच सच बता दे नहीं तो ये तुझे जान से मार देगी। उस दिन में उसने देखने रोज की जगह पे गया था लेकिन वो वहां आई नहीं। उसके बाद वड़ा पर गाड़ी पे गया लेकिन वो वहां पे भी नहीं थी। बाद में पता चला वो गायब हो गए, फिर मैं डर गया सब। अम्मा का सब, मैं उसकी इज्जत करता था। ये तेरे फोन में लड़कियों की वीडियो जूम कर करके शूट किया तूने, हाँ शर्म नहीं आती तेरे को? सर मैं बोलता हूँ ना, यही सीरियल किलर है। सर क्या बोल रहे हैं? सर मैं से तेरा अगला शिकार कौन है? लड़कियों के साथ क्या करता था तू, बोल। सर आप गलत समझ रहे हैं सर। सर इसके हर विक्टिम के गायब होने के टाइम का मोबाइल लोकेशन टैली करो, जरा भी मैच हो तो इतनी मरम्मत करो कि सच बोल दे। स्मिता आज तू दिखे नहीं तो मुझे चिंता होने लगी, तो मैंने सोचा यहाँ आके देख लेता हूँ तू घर वापस आई कि नहीं। वैसे स्मिता तू इतनी घबराई हुई क्यों है? काका वो बिंदिया ताई कहीं चली गई और मिल ही नहीं रही है। अरे क्या हो रहा है अपनी बस्ती में? वैसे स्मिता ये देख तू ज्यादा बाहर जाना बंद कर दे, और तुझे कुछ भी जरूरत होगी ना तो मुझे बोलना, मैं लाके दूंगा। काका बस बिंदिया ताई जल्दी वापस आ जाओ। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। सर ये कल की मार्केट वाली CCTV फुटेज है। सर ये जो बिंदिया है ये मार्केट में डेली जाती थी, कल ये मुन्ना भी मार्केट में आया था मगर बिंदिया दिखाई नहीं दी तो वो चला गया। मतलब बिंदिया मार्केट तक पहुंची ही नहीं? नहीं सर। सर मगर मैंने अलग अलग दिनों की CCTV फुटेज भी चेक की, ये बिंदिया रोज मार्केट में 4 से 4:30 के बीच में आती थी मगर उस दिन आई नहीं सर। कान, ये वड़ा पाव की दुकान से लेके मार्केट तक की रोड पे जितने CCTV फुटेज हैं सब चेक करो। ओके सर। सर वो बस्ती से एक औरत आई है, आपसे मिलना चाहती है। बुलाओ। सर मेरा नाम सुहासिनी कदम है, मैं गली नंबर 4 में रहती हूँ। हमारे एरिया में स्मिता नाइक रहती है। सर मुझे ऐसा लगता है उसकी जान को खतरा है। सर स्मिता के पेरेंट्स तो बहुत साल पहले ही गुजर गए, तब से वो अकेली रहती है। हमारे एरिया में एक सुधीर नाम का आदमी रहता है, पैर से अपाहिज है लेकिन उसकी नज़र बहुत खराब है। सर एक डिस्पेंसरी में वो वॉचमैन है और मैंने ये भी सुना है कि उसका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। मतलब? सर वो स्मिता से मिलने रोज उसके घर जाता है, रोज तो वो घर के बाहर से बात करके चला जाता है
लेकिन आज आज तो वो सीधा घर के अंदर चला गया। सर जरूर वो स्मिता के साथ कुछ गलत करने की सोच रहा है। सर मुझे ये भी लगता है कि बस्ती में जो लड़कियां गुम हुई है उसमें सुधीर का ही हाथ है। क्या वो तो मेरी बेटी की तरह है सर, और आप तो जानते हैं कि लोगों को कहानी बनाने की आदत है। तू बहुत क्लोज हो रहा था ना स्मिता के साथ। सर बिना माँ बाप की बच्ची है तो थोड़ा बहुत तो लगा हो ही जाता है ना सर। चल चल मान लिया तू सच बोल रहा है, फिर भी एक बात बता, महीने के हर 4-5 दिन गायब कहाँ रहता था? तेरा रिकॉर्ड चेक किया है, एक बार तू लड़की के मामले में अंदर जाके आया है। सर पिछली बार जो गलती हो चुकी है वो बहुत पुरानी है सर, लेकिन आप उसका यहाँ क्या कनेक्शन है सर? वो बात छोड़, ये बता कि 4-5 दिन तू गायब कहाँ रहता है? सर वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, मेरा पर्सनल काम है। क्या बोला भाई? क्या बोला? बाबू अब पिटारा खुल चुका है, अब तू हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, समझा ना? कसड़ी में ले लो उसको। चल तू, अबे चल। अरे सर कहाँ है? मंचा से टेबल फैन का चला है। क्यों क्या हो गया? अरे बगीतला नहीं कहा? अरे वो सर कब से औरतों को घूर घूर के देख रहे हैं। काम पे ध्यान दो, चाय पियो। अरे देखो सर देखो। क्या बातें चल रही है तुम दोनों की? टेलर प्लीज। टेलर बोले तो सर। अरे चलो सर चले। अच्छा टिम्स की फोटो दिखाओ। इन तीनों विक्टिम्स में एक बात कॉमन है, बताओ क्या? तीनों लड़की है सर। गणेश भाऊ क्या बात, भारत सरकार से आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, एक्सीलेंस इन पुलिस फोर्स। क्या गणेश, इन सारे विक्टिम्स ने एक तरह की ड्रेसेस पहनी हुई है, टाइट डेनिम जींस या शॉर्ट्स और टी शर्ट। सर लेकिन ये तो बहुत कॉमन ड्रेस है। लेकिन यहाँ पर कॉमन नहीं है, मैं यहाँ खड़े होकर हर औरत और लड़की को देख रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनता है। मतलब ये सीरियल किलर डेनिम जींस और टी शर्ट पहने हुए 16 से 24 साल की लड़कियों की तरफ आकर्षित होता है। हाँ शायद शायद इसी एरिया में रहता है, इसीलिए उसको इन सब लड़कियों के बारे में इतना सब पता था। करेक्ट। एक काम करो, पता लगाओ कि इस बस्ती में ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो ऐसी ड्रेसेस पहनती हैं। जी सर। हर्षा उस स्मिता के बारे में पता लगाओ, वो जिस दिन पुलिस स्टेशन आई थी उसने भी ऐसी ही ड्रेस पहनी हुई थी। यस सर, शॉर्ट्स एंड टी शर्ट। यस सर, वो मनोज ने सही कहा था, उसने एक महीने के लिए कोटा में गई ट्यूशन लगाई थी, उसके सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई दे रहा है। और सर सुधीर की कॉल रिकॉर्ड्स भी आई है, जब जब वो गायब होता है तब उसके दो ठिकाने होते, बुधवार पेट पुणे और मुंबई रेड लाइट एरिया। अच्छा इसलिए ये कुछ बता नहीं रहा था। इसका मतलब मुन्ना सीरियल किलर नहीं है। अब ये सुधीर मनोज सुहास सीरियल किलर है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन उसका अगला टारगेट बस्ती में रहने वाली कोई टाइट जींस टॉप पहनने वाली हो सकती है, शायद स्मिता। अच्छा yes. ये स्मिता घर पे ध्यान रखो, संग्राम और गणेश भाऊ आप दोनों बस्ती पर नजर रखेंगे। चाहिए रुको। अभी अभी एक सिल्वर गेयर गाड़ी में बैठ के गई है। कार का नंबर मैसेज करो, तुम बाकी टीम के साथ उसे फॉलो करो, हम लोग जल्दी पहुंच रहे हैं। हाँ सर। ए, रुक। मुंबई पुलिस गाड़ी का पीछा करना है।
सर। यस आशा। सर मैं हनुमान मंदिर के पीछे वाले रोड पे हूँ। यहाँ पे एक पुराना घर है, वो उसको अंदर लेके जा रहा है। मैं आपको लाइव लोकेशन भेजती हूँ सर। ओके। आता था मेरे को, ये जो मॉडर्न लड़कियां हैं ना, ऐसे कपड़े पहन के घूमती हैं, इनको देख के बहुत गुस्सा आता था साहब मेरे को। मेरा बाप ना एकदम सिंपल इंसान था, उसने ब्याह करके सौतेली माँ को मेरे घर पे लेके आया। वो बहुत मॉडर्न थी साहब, उसके तो बाहर चक्कर भी चलते थे। ये बात जब मेरे बाबा को पता चली तो उन्हें देहाती कहकर उनको झापड़ मार दिया। तब इतना सा था मैं, मेरे को बहुत गुस्सा आता था, इसीलिए ये सब गुस्सा है ना मैं इन लड़कियों पे निकालता हूँ। वो सुप्रिया है ना साहब, उसके साथ मैंने एक दो बार ऐसे ही किया था लेकिन मजा नहीं आया। लेकिन उसको जब मैंने मारा पीटा उसके बाद बहुत मजा आया। अरे कस्टडी में है वो, कानून मत भूलो। आएगा आगे बोल। योगिता को जब मैं लेके आया ना उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। मतलब जब तू सुप्रिया को घर में लेके गया तो योगिता जिंदा थी? हाँ, अरे उसके सामने तो मैंने योगिता को मारा ना ताकि उसके मन में डर डर बना रहे। लेकिन साहब ये सुप्रिया है ना, इससे मेरा मन भर गया था। फिर बिंदिया को पटा? नहीं, अरे मेरे को मालूम था वो मेरे से पटने वाली नहीं है, लेकिन मैं ना उसकी गाड़ी पे रोज जाता था वड़ा पाव खाने ताकि उसके साथ दोस्ती बने ना, इसलिए। मीता, ये सुहास है, ये मुंबई में काम करता है। मुझे भी ना मुंबई में घूमने का बहुत शौक है, बट मेरी जो ताई है ना उसके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। अगली बार जब छुट्टी होगी ना तब सब साथ में चलेंगे। पक्का? हाँ। लिफ्ट देने के बहाने ना मैंने उसको गाड़ी पे बिठा लिया और मार्केट जाने से पहले ही लेके चला गया। वो बिंदिया को मुंबई दिखाने के बहाने में अपनी गाड़ी पे लेके चला गया। हर नई लड़की के लिए ना मैंने नई गाड़ी चूज किया ताकि आप लोग मुझ तक पहुंच ना सके। ऐसी हैवानियत को इंसान कर ही नहीं सकता। लेके जाओ इसे। प्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।